दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाले हैं तंगलान मूवी का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है डे वन से लेकर डे सिक्स तक के बीच में। और आपको पता होगा ये भी मूवी 15 अगस्त को रिलीज हुई थी, लेकिन मैंने इसका रिव्यू नहीं किया क्योंकि ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नहीं आई और वो भी तमिल लैंग्वेज में भी आई तो सब टाइटल्स के साथ नहीं आई। सब टाइटल्स के साथ आती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन तमिल तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हिंदी लैंग्वेज में आती तो अच्छा लगता, लेकिन देखते हैं कभी भी ये हिंदी लैंग्वेज में अगर आती है तो इसका रिव्यू जरूर करेंगे हिंदी ऑडियंस के लिए। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं बता दूं इसका जो डे वन का कलेक्शन हुआ है 13 करोड़ 3 लाख, जिसमें से तमिल का 11 करोड़ 7 लाख, तेलुगु का 1 करोड़ 5 लाख और मलयालम का 1 लाख सिर्फ और सिर्फ। डे टू में 4 करोड़ 75 लाख टोटल कलेक्शन हुए हैं, जिसमें से तमिल का 3 करोड़ 95 लाख, तेलुगु का 75 लाख, मलयालम का 5 लाख। डे थ्री में टोटल कलेक्शन हुआ है 5 करोड़ 65 लाख, जिसमें से तमिल का 4 करोड़ 9 लाख, तेलुगु का 7 लाख और मलयालम का 5 लाख। डे फोर में टोटल कलेक्शन हुए हैं 5 करोड़ 75 लाख, जिसमें से तमिल का 4 करोड़ 85 लाख, तेलुगु का 8 लाख, मलयालम का 1 लाख। डे फाइव में 2 करोड़ 45 लाख टोटल कलेक्शन हुए हैं, जिसमें से तमिल का 1 करोड़ 8 लाख और तेलुगु का 55 लाख, मलयालम का 5 लाख। डे सिक्स में यानी कि आज का जो कलेक्शन हुआ है थंगलान का 1 करोड़ 62 लाख टोटल कलेक्शन हुए हैं। अभी ये और कलेक्शन बढ़ सकती है मे बी, क्योंकि अभी ये जो डाटा है रात 8-9 बजे के बीच का डाटा है, अभी और कलेक्शन बढ़ सकती है। लेकिन इसका जो टोटल कलेक्शन हुए हैं 33 करोड़ 52 लाख कलेक्शन हुए हैं टोटल। और इसका जो बजट बताया जा रहा है इस मूवी का 150 करोड़ का बजट है। मैंने पहले ही बताया था आपको इस मूवी का बजट 150 करोड़ का है, और 150 करोड़ का ये बजट मुझे नहीं लगता है मुश्किल से रिकवर कर पाएगी, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के लिए मूवी रिलीज नहीं हुई। तो हिंदी ऑडियंस एक अच्छी खासी पकड़ रखती है किसी मूवी के लिए, क्योंकि हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तादाद में, तो इसीलिए हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई। लेकिन नहीं तो इसका जो भी कलेक्शन हुआ टोटल डे सिक्स में 33 करोड़ 52 लाख, ये नंबर कुछ और होता मे बी 50-60-70 हो सकता था, लेकिन ये हिंदी ऑडियंस के लिए नहीं मूवी रिलीज हुई तो इसीलिए कम कलेक्शन देखने को हमें यहाँ पर मिला। लेकिन इसका जो बजट है 150 करोड़, मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से कलेक्शन मतलब कर पाएगी, इतना बजट अपना रिकवर कर पाएगी। तो इसका बुक माई शो पे जो टिकट बुक हुए हैं पिछले 24 घंटे में 23,609 टिकट बुक हुए पिछले 24 घंटे में, एक घंटे में नहीं 24 घंटे में। इसका जो रेटिंग चल रहा है 8.2, और मैंने बोला था थंगलान स्त्री के बाद होगी, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एडवांस बुकिंग में स्त्री का बताया था, सबसे पहले स्त्री थंगलान उसके बाद ही ये होगी अभी जो आई डबल स्मार्ट, फिर उसके बाद ये बेदा खेल खेल में, ये सारी मूवी आई थी 15 अगस्त को। तो ये सारी मूवी का मैंने बोला था ये सारी मूवी में सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाली स्त्री, और वही हुआ। स्त्री अपने 500 फैन क्लब में जाने से बहुत ही दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ की दूरी है। आपको मैंने इसका स्त्री टू का अपडेट भी दिया है डे सिक्स तक का बॉक्स का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब जो अभी थंगलान का अपडेट है डे सिक्स तक का, मैंने आपको बता दिया इतना इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा पब्लिक में क्रेज नहीं है, क्योंकि ये तीन ही लैंग्वेज में मूवी आई है, तमिल, तेलुगु और मलयालम में, और कनाडा में भी नहीं आई साउथ इंडस्ट्री से, तो ये सारी अभी लैंग्वेज में नहीं आई है, कनाडा हिंदी हो गया, तो ये सारी लैंग्वेज में हो सकता है फ्यूचर में आए, लेकिन अभी नहीं आई है। तो मैंने इस मूवी का रिव्यू भी नहीं किया है, अगर आती है ये हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होती है तो मैं जरूर हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के लिए ये मूवी का रिव्यू लाऊंगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।